So, today we are going to discuss the topic uterine fibroids or fibromyoma or the leiomyoma. ठीक है, इससे related कुछ questions. So, uterine fibroid is a benign uterine neoplasm. It is a benign uterine neoplasm. ठीक है, इसकी etiology देखते हैं. ठीक है, ये जो ट्यूमर है वो ज्यादातर एलिवेटेड ईस्ट्रोजन लेवल से एसोसिएटेड देखा गया है. ठीक है, इट इज रेयर बिफोर प्यूबर्टी एंड न्यू मायोमास रेयरली अकर आफ्टर मेनोपॉज. ठीक है, इट्स एसोसिएशन हैज बीन सीन विद इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, इंक्रीज इन द साइज. इस ट्यूमर का साइज बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. ये श्रिंक होता है कब? डिलीवरी के बाद, मेफीप्रिस्टोन लेने के बाद एंड GnRH थेरेपी के बाद. लेस कॉमन इन स्मोकर्स. मूविंग टू इट्स पैथोएनाटॉमी. सी, ये जो ट्यूमर है इट इज अ वेल सर्कमस्क्राइब ट्यूमर विद अ सूडो कैप्स्यूल. ये जो कैप्स्यूल है ये ट्यूमर को फिक्स करता है मायोमेट्रियम के साथ एंड ऑल्सो ये वेसल्स जो है वेसल्स विद सप्लाई ट्यूमर, वेसल्स प्रोवाइड करता है जो ट्यूमर को सप्लाई करती है. ठीक है, एंड ये रेडियली सप्लाई होता है वेसल्स का. ठीक है, एंड अगर हम इस ट्यूमर का कट सेक्शन देखेंगे तो इट इज पिंकिश. ठीक है, पिंकिश. माइक्रोस्कोपी अगर देखेंगे तो बंडल्स ऑफ प्लेन मसल सेल्स विद फाइब्रस स्ट्रैंड्स आर सीन इन बिटवीन. अब ये ट्यूमर जो है वो तीन टाइप्स में क्लासिफाइड है, इंट्राम्यूरल, सबसेरोजल एंड सबम्यूकोसल. इंट्राम्यूरल जो है इट इज ग्रोन इनसाइड द मायोमेट्रियम. सबसेरोजल ट्यूमर जो है वो पेरिटोनियल कैविटी की तरफ ग्रो होता है एंड सबम्यूकोसल जो है वो एक्चुअली जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं तो वो मायोमेट्रियम को यूट्राइन कैविटी की तरफ पुश करता है. ठीक है, एंड रिमेम्बर इट इज ऑनली कवर्ड विद द एंडोमेट्रियम. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंडरी चेंजेस एंड द कॉम्प्लिकेशन. सेकेंडरी चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशन लर्न करने के लिए एक निमोनिक है, कैट सिट इन कैप. ओके, कैट सिट इन कैप. सो सी फॉर कैलकैरियस डीजनरेशन, ए फॉर ओट्रॉपी, टी फॉर टॉर्शन इन्वर्शन, एस फॉर सैक्रोमेटस चेंज, ई फॉर एंडोमेट्रियल एंड मायो हाइपरप्लेजिया, ए फॉर अकम्पनिंग एडिनो मायोसिस, आई फॉर इन्फेक्शन इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, सी फॉर सिस्टिक डीजनरेशन, ए फॉर एसोसिएटेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड पी फॉर पैरासिटिक फाइब्रॉइड. तो इसमें हमने टी एंड एन का यूज नहीं किया है. ओके, बट हम सिंपली इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं. ओके, अब हम इनमें से कुछ डिटेल में देखेंगे, लाइक ओट्रॉपी. ठीक है, ओट्रॉपी कब होती है? जब वेस्कुलैरिटी डिक्रीज हो जाती है. तो ये वेस्कुलैरिटी डिक्रीज हो सकती है आफ्टर द डिलीवरी और आफ्टर मेनोपॉज. इसमें क्या होता है, जो साइज है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है और ये ज्यादा फाइब्रोटिक हो जाता है. और ठीक है, और वेस्कुलैरिटी डिक्रीज होने की वजह से हाइलाइन सिस्टिक एंड फैटी डीजनरेशन भी हो सकता है. नेक्स्ट इज कैलकैरियस डीजनरेशन. व्हाट हैपेंस इन दिस, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट्स ऑफ लाइम डिपॉजिट इन द पेरिफेरी अलोंग द कोर्स ऑफ वेसल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज रेड डीजनरेशन. सी, ये जो रेड डीजनरेशन है ये एज अ SNB पूछा गया है. ठीक है, ये प्रेगनेंसी में ज्यादा कॉमन है. व्हाट हैपेंस, इसमें जो मायोमा है वो बहुत ज्यादा टेंस और टेंडर हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन इन एब्डो, फीवर एंड सम कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट. देन ये जो ट्यूमर है ये पर्पल रेड कलर का हो जाता है. ठीक है, फिशी ओडोर एंड ऑल्सो इसमें इस ट्यूमर में जो वेसल्स होते हैं उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, द वेसल्स बिकम थ्रोम्बोस्ड. ठीक है, और होता क्या है कि इन वेसल्स में से कुछ ब्लड पिगमेंट्स जो है उनका डिफ्यूजन होता है. ठीक है, विच कॉजेज द डिसकलरेशन. इसे हम USG से डायग्नोज कर सकते हैं एंड द DD इज अपेंडिसाइटिस, ट्विस्टेड ओवेरियंसिस एंड एक्सीडेंटल हीमोरेज. नेक्स्ट इज द मैलिग्नेंट चेंज. ठीक है, सैक्रोमेटस चेंज यानी मैलिग्नेंट चेंज, ये ज्यादा कॉमन होता है इंट्राम्यूरल में और सबम्यूकोसल में देन द सबसेरोसल. इट इज मोर कॉमन इन पोस्ट मेनोपोजल वुमेन. द प्रेजेंटेशन इज पेन एंड पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग. ठीक है,
अब चेंजेस क्या आते हैं ट्यूमर में, सी ये ज्यादा फ्रायबल होता है, फॉर्म लेस फॉर्म हो जाता है और नॉन कैप्सुलेशन हो जाता है इसका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्जन, टॉर्जन जो है वो ज्यादा कॉमन है सबसिरोजल पेडंकुलेटेड मायोमा में। व्हाट हैपेंस, इस पेडंकुलेटेड मायोमा की जो अटैचमेंट होती है यूट्रस में, उस अटैचमेंट की साइड पे इट अंडरगो रोटेशन, जिसकी वजह से वेन ऑक्लूड हो जाती है और ये दूसरे विसरल ऑर्गन को अटैच हो जाता है फॉर द ब्लड सप्लाई, ठीक है। एंड धीरे धीरे व्हाट हैपेंस कि ये ओरिजिनल साइड से डीअटैच हो जाता है एंड कम्प्लीटली अटैच हो जाता है टू द विसरल ऑर्गन, इसे कहते हैं पैरासिटिक फाइब्रॉइड, ठीक है। देन इन्वर्जन, सी इन्वर्जन ज्यादा कॉमन है सब म्यूकोजल फंडल मायोमा में। तो हमने देखा कि टॉर्जन ज्यादा कॉमन है सब सिरोजल में एंड इन्वर्जन ज्यादा कॉमन है सब म्यूकोजल में। देन नेक्स्ट इज कैप्सुलर हीमोरेज। अगर कैप्सुलर हीमोरेज, सी कैप्सूल में अगर एक का वेसल हो तो इट में गेट रप्चर, ठीक है। लार्ज वेसल हो, लार्ज वेन हो तो वो रप्चर हो सकती है एंड इट कॉजेस इंट्रा पेरिटोनियल हीमोरेज और हीमोरेजिक शॉक। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कब होता है, जब जो ये मायोमा है ये सर्विक्स या वजाइना में प्रोजेक्ट करे तब इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स, द सिम्टम्स एंड द साइंस। इस सिम्टम्स एंड साइन इजीली याद रखने के लिए हम एक निमोनिक याद रखेंगे। पिंकी मैम वीआईपी है जो ABCDEF पढ़ाती है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ पिंकी मैम वीआईपी हम सिम्टम्स याद करेंगे एंड ABCDEF से हम साइंस याद रखेंगे। सो पिंकी मैम वीआईपी, पी से याद रखिए पेन, पॉलीमेनोरिया एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। पेन जो है पेन जो है वो एल्डरली वुमेन में होता है अगर मेलिग्नेंट चेंज हो रहा हो तो। अदरवाइज जो वुमेन है वो कंप्लेन करती है कि दे फील हैवीनेस इन द लोअर एब्डो, स्पैस्मोडिक डिसमेनोरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो एम से याद रखना है मेनोरेजिया, ए से एब्डोमिनल लंप, एम से मेट्रोरेजिया, वी से वजाइनल डिस्चार्ज एंड आई से इनफर्टिलिटी रिकरेंट अबॉर्शन। पी से याद रखना है प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स तब होंगे जब ये फाइब्रॉइड जो है वो पाउच ऑफ डगलस में लॉज हो जाएगा, ठीक है। एंड इनफर्टिलिटी यूजुअली होती है अगर PID एंड एंडोमेट्रोसिस जो है वो भी साइड बाय साइड एसोसिएटेड हो, ठीक है। नाउ साइंस, साइंस को लर्न करना है ABCDEF से, ठीक है। ए से एनीमिया, असाइटिस विच इज रेयर एंड एबडोमिनल लंप। एबडोमिनल लंप जो होता है इट विल अपियर एज इट इज अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस, इट इज फर्म, इट इज स्मूथ, वेल डिफाइंड मार्जिन, बॉसी सरफेस, ठीक है। एंड इट इज मोबाइल, साइड टू साइड मोबाइल होता है अनलेस इट्स ओन एडिशंस आर प्रेजेंट, ठीक है। देन बी से याद रखेंगे बायमैनुअल एग्जामिनेशन एंड ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड। बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करने पे पता चलता है कि यूट्रस एनलार्ज्ड हो चुका है विच में भी बॉसी और रेगुलर इन अपीयरेंस। अगर ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड प्रेजेंट है तो यूट्रस जो होता है वो एक साइड पे डिस्प्लेस हो जाता है, ऑपोजिट साइड पे डिस्प्लेस हो जाता है, ओके। नाउ सी, सी से याद रखिए सर्वाइकल ओस ओपन एट लोअर पोल इन मायोमेटस पॉलिप, ठीक है। डी से याद रखिए डिसेमिनेटेड एंड इंट्रावेस्कुलर फाइब्रॉइड्स रेयरली एग्जिस्ट पर लैप्रोटोमी पे डिस्कवर हो सकते हैं, ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ई से याद रखिए एनलार्ज्ड यूनिफॉर्म यूट्रस होता है, ठीक है, सबम्यूकस फाइब्रॉइड में। और इसी सबम्यूकस फाइब्रॉइड का जब इन्वर्जन हो जाए तो एफ से याद रखिए फंडस कैन नॉट बी पाल्पेटेड व्हेन इन्वर्जन ऑफ द सबम्यूकस फाइब्रॉइड अकर्स, ठीक है। तो ऐसे हम इजीली इसके क्लिनिकल फीचर्स याद रख सकते हैं। देन कम्स द डीडी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे याद, रिलेटेड वर्ड है उस हिसाब से इसकी सीक्वेंस है। सबसे पहले अच्छा ये जो डीडी है एक्चुअली ये एब्डोमिनल लंप की है अगर, हाँ तो एब्डोमिनल लंप अगर प्रेजेंट है तो एंड इसमें अगर सस्पेक्टेड है कि यूट्राइन फाइब्रोमायोमाज हो सकता है, ठीक है, उसकी ये डीडी है। प्रेगनेंसी, हिमेटोमेट्रिया, पायोमेट्रिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। देन
एंडोमेट्रोसिस, पेल्विक एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, यूट्राइन सार्कोमा, ठीक है, फाइब्रॉइड पॉलिप, एडिनोमायोसिस, देन बायकॉर्नुएट यूट्रस, क्रॉनिक इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, क्रॉनिक पीआईडी, ठीक है, फिर ओवरी रिलेटेड ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन न्यूप्लास, पैरा ओवेरियन सिस्ट, बायलेटरल ट्यूबो ओवेरियन मासेस, ठीक है, फुल ब्लैडर एंड पेल्विक किडनी। तो ये डीडी अच्छे से याद रखिए, ये भी एलएन में एज ए सब पार्ट पूछी जाती है। सो इसके जो इन्वेस्टिगेशन है एंड ट्रीटमेंट है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2। थैंक यू।